वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर यू. दिस इज चांदनी चौरसिया. टुडे इज डिस्कस एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर. दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्यूल सिक्रेटेड फॉर्म. ऑप्शन ए नेजल ग्लैंड, ऑप्शन बी ओवल एपिथीलियम, ऑप्शन सी सेलिवेरी ग्लैंड, ऑप्शन डी टंग. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी सेलिवेरी ग्लैंड. Salivary gland, we call the major salivary gland, the parotid salivary gland, the submandibular salivary gland and sublingual salivary gland. They all secreted saliva into your mouth. The parotid throat tubes that the drain saliva called salivary ducts near your upper teeth, submandibular under your tongue and the sublingual throat, many ducts in the floor of your mouth. Question number 2. Which of the following is known as the voice box? Option A trachea, option B pharynx, option C epiglottis, option D larynx. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी लैरिंग्स. द लैरिंग्स इज आल्सो नाउ एज द वॉइस बॉक्स बिकॉज इट्स कंटेन्स द वोकल कॉर्ड व्हिच आर नेसेसरी फॉर स्पीच. लोकेटेड इन द थ्रोट अबव द ट्रेकिया और वाइंड पाइप द वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज द क्रिएटेड साउंड. Question number 3. Which one among the following will be absorbed fastest through the wall of digestive system? Option A. Black coffee as a hot beverage. Option B. DDT taken as a poison. Option C. Raw alcohol taken as a drink. Option D. Ice cream as a dessert. Iska right answer hai ऑप्शन सी राव एल्कोहल टेकन एज अ ड्रिंक. क्वेश्चन नंबर 4. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एस्ट्रोनॉट्स लोस सबस्टेंशियल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम थ्रोट यूरिन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट. दिस इज ड्यू टू ऑप्शन ए हाइपर ग्रेविटी, ऑप्शन बी माइक्रो ग्रेविटी, ऑप्शन सी इनटेक ऑफ डिहाइड्रेशन फूड टेबलेट, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर इन कोस्मोस. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी माइक्रो ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 5. कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ऑनियन वीरिंग ब्रिंग्स tears to the eyes because of the presence of option A sulfur in the cell, option B carbon in the cell, option C fat in the cell, option D amino acid in the cell. Iska right answer hai friend option A sulfur in the cell. Question number C. The contractile proteins in the muscles are ऑप्शन ए एक्टिन एंड मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए एक्टिन एंड मायोसिन. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एंजाइम. ए एमलाइज, बी पेप्सिन, सी सोमाटोट्रोपिन हार्मोन, डी ट्रिप्सिन. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी सोमाटोट्रोपिन. सोमाटोट्रोपिन नोटा एंजाइम इज अ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन also called somatotropin or human growth hormone, peptide hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland. Question number 8.
Which one of the following is not a part of small intestine? A. Cecum, B. Duodenum, C. Jejunum, या D. Ileum? इसका राइट आंसर है फ्रेंड A. Cecum. The small intestine, the part of gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine, and is where most of the and absorption of food take place. Small intestine has three distinct regions, the duodenum, jejunum or ileum. Cecum is part of large intestine. Question number 9. All enzymes are actually A. Carbohydrates, B. Proteins, C. Fatty acid, D. Sterols. इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी प्रोटीन्स. ऑल एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 10. कार्टिलेज प्रेजेंट इन बॉडी इज ऑप्शन है ए मस्कुलर टिश्यू, बी एन एपिथेलियल टिश्यू, सी ए कनेक्टिव टिश्यू, डी ए जर्मिनल टिश्यू. इसका राइट आंसर है फ्रेंड ए कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इज अ फाइबर एंड रबरी कनेक्टिव टिश्यू फाउंड थ्रू आउट द वर्टिब्रेटरी स्केलेटल सिस्टम. एज विद अदर कनेक्टिव टिश्यू द जनरल फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इज टू सपोर्टेड एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Question 11th. Which one among the following glands is present in pairs in human body? A. Adrenal, B. Liver, C. Pancreas, D. Pineal. इसका right answer है friend A. Adrenal. Adrenal gland is pairs located at the top of each kidney. एड्रेनल ग्लैंड पेयर्स में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 12. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बिगिंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ए ब्रोंकाई, बी एल्बुलाई, सी ब्रोंकियल्स या डी प्लूरा. इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी एल्बुलाई. The gas exchange and carbon dioxide typically take place in the main function of the bronchioles in is to allow the phases of air freely into the lungs. Your lungs are organ in your chest of allow your body the take in oxygen from the air. They also help remove carbon dioxide. Question number 13. Which one of the glands in human body process the growth hormones somatotropin? A. Adrenal, B. Pancreas, C. Pituitary or D. Thyroid. इसका right answer है friend ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड. ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट्स सिमुलेटेड्स द ग्रोथ ऑफ एक्जेंटली ऑल टिश्यू ऑफ द इंक्लूडिंग बोन. यह हमारे बोन्स और टिश्यू दोनों की ही ग्रोथ करती है. Question number 14. Which one of the flowings is a pigment? A. Albumin, B. Elastin, C. Creatinine or D. Melanin?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलेनिन। मेलेनिन द पिगमेंट द गिव्स ह्यूमन स्किन हेयर एंड आईज देयर कलर डार्क स्किन एंड प्यूपल्स हैव मेलेनिन इज प्रोसेस्ड बाय सेल कॉल्ड मेलेनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन बिगिंस द ओपनिंग ऑफ द स्टोमच इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी ईसोफेगस, ऑप्शन डी पाइलोरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाइलोरस। द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स एट द जंक्शन बिटवीन द पाइलोरस ऑफ द स्टोमच एंड द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरस भाग होता है वो स्टोमच का लास्ट भाग होता है तथा ड्यूडोनियम भाग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू वी फाइंड द आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी पैंक्रियास, ऑप्शन डी लीवर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक आइसलेट आल्सो कॉल्ड आइसलेट ऑफ लैंगरहंस आर टीनी क्लस्टर्ड ऑफ द सेल्स स्केटेड द पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक आइसलेट कॉन्टेंट सर्वल टाइप ऑफ सेल इंक्लूडिंग बीटा सेल दैट प्रोसेस द हार्मोन्स इंसुलिन। इंसुलिन हेल्प सेल थ्रू आउट द बॉडी एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड यूज इट फॉर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी नेकोरेसिस या ऑप्शन डी नियोप्लासिया। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस द डेथ ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ द सेल इन एन ऑर्गन ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिसीज इंजरी ऑफ फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई। नेक्रोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल इंजरी विच रिजल्ट इन द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू बाय ऑटोलाइसिस। फ्रेंड अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, लाइक कीजिए तथा अगर आपको इसे हिंदी में समझना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, मैं इसे हिंदी में भी समझाऊंगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू।